नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयागराज न्यूज़ और मैं आपके साथ हूं आकांक्षा यादव। प्रयागराज के करछना विधानसभा में आज तक कमल नहीं खिला। जी हां, प्रयागराज की करछना विधानसभा ही एकमात्र ऐसी सीट है जहां भाजपा का कब्जा कभी नहीं हो पाया। लेकिन इस वर्ष के चुनाव में लोग उम्मीद ऐसा कर रहे हैं कि इस बार संभवतः यह सीट भाजपा के कब्जे में होगी, क्योंकि इस सीट का रिकॉर्ड रहा है कि जो पार्टी दूसरे नंबर पर रही वही अगली बार चुनाव जीतती आई है। फिलहाल चुनावी किला भेदने के लिए तो सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बार भाजपा भी अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। करछना विधानसभा सीट पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गली है। भाजपा 2022 में इस सीट को जीतने के लिए अभी से तैयारी में जुट गई है, जबकि रेवती रमन सिंह का दावा है कि करछना की जनता से उनका दशकों पुराना नाता है और जनता उन्हें इस बार भी विजयी बनाएगी। करछना विधानसभा की सीट पर एक नज़र डालें तो विधानसभा में कुल 356 गांव आते हैं। जिसमें 1,00,000 से ज्यादा पुरुष मतदाता रहे, जबकि 1,46,000 से अधिक महिला मतदाता रही। जबकि वर्ष 2022 में 18,177 मतदाता बढ़कर कुल 3,46,878 मतदाता हो गए। उज्जवल रमन के सामने जीत बरकरार रखने की चुनौती। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो पूरे प्रदेश में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया था, लेकिन इस लहर में भी प्रयागराज की करछना विधानसभा सीट पर रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। पिछली बार 8 सीटों पर कब्जा जमाने वाली सपा का एक प्रत्याशी करछना में जीत सका। यह पहला मौका था जब भाजपा को इस सीट पर दूसरे स्थान तक पहुँचने का मौका मिला था। हालांकि 2017 में दूसरे स्थान तक पहुंचने से भाजपा नेताओं में उम्मीद की लहर जगी है। बहरहाल करछना सीट पर जीत हासिल करना भाजपा के लिए किसी उपलब्धि से कम भी नहीं होगा, लेकिन सपा के इस घर में सेंधमारी कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा। एक तरफ जहां इस सीट पर उज्जवल रमन सिंह जीत का सिलसिला बरकरार रखना चाहेंगे, तो वहीं 2017 के परिणाम से उम्मीद जगाए बैठी भाजपा आगामी चुनाव में इतिहास रचने की कोशिश करेगी। इस विधानसभा में सबसे अधिक रोचक तथ्य यह है कि जनता ने विकास को भी प्राथमिकता दी है। अब तक हुए चुनाव पर अगर एक नजर डालें तो करछना विधानसभा से 1957 में कांग्रेस से कमल कुमार गोइंदी, 1962 में पीएसपी से सत्यनारायण पांडे, 1967 में एस दिन, 1969 में राम किशोर शुक्ला चुने गए थे। इसके बाद 1974 एवं 1977 में जेएनपी से रेवती रमन सिंह चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के केपी तिवारी को पराजित कर जीत दर्ज की थी, लेकिन 1980 में केपी तिवारी ने रमन सिंह को हराकर हिसाब बराबर किया। इसके बाद राजीव गांधी के दौर में 1985 में रेवती रमन ने केपी तिवारी को हराकर जनता पार्टी के झंडे को बुलंद किया और 1989 में भी रमन सिंह ने केपी तिवारी को पुनः हराया। इसके बाद 1991 में रेवती रमन सिंह ने जेडी से लड़े और जीत गए। उन्होंने बसपा के नंदलाल सिंह पटेल को पराजित किया, लेकिन 1993 में बसपा का खाता खुला और नंदलाल सिंह पटेल ने रमन सिंह को हरा दिया। 1996 में रेवती रमन सिंह साइकिल पर सवार हुए और बसपा के परशुराम निषाद को हराया। 2002 में उन्होंने पुनः बसपा के बाल कुमार को हराया। 2007 में बसपा से आनंद कुमार पांडे ने सपा के उज्जवल रमन सिंह को हराकर सीट छीन ली। 2012 में बसपा से दीपक पटेल ने सपा के उज्जवल रमन सिंह को पराजित कर कब्जा बरकरार रखा। 2017 में भाजपा की आंधी में भी सपा के उज्जवल रमन सिंह ने भाजपा के पीयूष रंजन को पराजित किया।